Good morning students, myself Manisha Chopra from Floridale Public School. Today we will start chapter 2 Economics People as Resource. इस चैप्टर में आपको ये समझाया जाएगा, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर में समझा कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है, उनमें मेन फैक्टर था ह्यूमन. क्यों? क्योंकि ह्यूमन जो है वो अपने नॉलेज अपने स्किल के थ्रू किसी भी प्रोडक्ट को यूजफुल बनाता है. तो इसी चैप्टर के अंदर वो ह्यूमन वो इंसान वो कैसे क्रिएट होगा, वो कैसे प्रोडक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है या देश के लिए एक रिसोर्स है, ये इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे. इस चैप्टर में रिसोर्सेज के बारे में बताया गया है, जिसमें ये बताया गया कि इंडिया के अंदर या किसी भी देश के किसी भी कंट्री के अंदर जो उसकी पॉपुलेशन है वो एक असेट होती है, ना कि लाइबिलिटीज. असेट तब तक होती है जब तक वो वर्किंग है. जब वो वर्किंग नहीं है तो वो उस देश के लिए लाइबिलिटी बन जाती है. जैसे छोटे बच्चे हैं अंडर 18 और अबो 55 या 60 मान लीजिए, ये जो लोग हैं ये किसी भी कंट्री के लिए लाइबिलिटीज़ होते हैं, क्योंकि ये अर्निंग सोर्स नहीं है. इनकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है, लोगों को इनका ध्यान अलग से रखना पड़ता है. और कुछ वुमेन भी इसमें इंक्लूडेड है जो विडोज़ हैं या फिर जो अनएजुकेटेड है या अनएम्प्लॉयड हैं. तो ये सारी लाइबिलिटीज़ होती हैं किसी भी कंट्री के लिए. हम पीपल को रिसोर्स क्यों मानते हैं? क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल आर वर्किंग. ज़्यादातर लोग वर्क करते हैं, अपनी अर्निंग खुद क्रिएट करते हैं, तो देश के लिए वो लाइबिलिटी नहीं है, वो उनके लिए संपत्ति है. क्यों? क्योंकि वो अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर पाते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए वो कमा रहे हैं, और कमाई का 1% कमाई का कुछ परसेंट जो है वो गवर्नमेंट के पास एज अ टैक्स के रूप में जाता है. वो अपने नॉलेज से ही सारा वर्क करते हैं, इसीलिए हम कहते हैं पीपल एज रिसोर्स. अगर किसी इसके अंदर हमने देखो, जब ग्रीन रेवोल्यूशन की बात थी तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने क्या कहा कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया तो लोगों की प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर इन एग्रीकल्चर यानी प्रोडक्शन जो है वो टेक्नोलॉजी की वजह से इरिगेशन की वजह से जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज़ हो गया था. तो ह्यूमन कैपिटल में इसका काफ़ी फ़र्क पड़ा. जब आपके पास ज़्यादा पैसे होते तो आपके जो खर्चे हैं वो भी थोड़े ज़्यादा हो जाते हैं. आप अपने जो जिनके पास अच्छे पैसा होता है वो अपने बच्चों को अच्छी से अच्छी एजुकेशन देना चाहता है, अच्छे से अच्छी सुविधाएं देना चाहता है, फैसिलिटीज प्रोवाइड करवाना चाहता है. तो इसमें यही बताया जा रहा है. और जो भी जैसे यहाँ पे आप रीड करें तो पीपल एज रिसोर्स इज़ अ वे ऑफ रेफरिंग टू अ कंट्रीज वर्किंग पीपल इन टर्म ऑफ देयर एग्जिस्टेंस प्रोडक्टिव स्किल एंड एबिलिटी. यानी अगर पीपल काम कर रहा है तो वो वर्किंग है, मतलब उसकी एबिलिटी और उसके सोर्स उसके स्किल्स की वजह से वो अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है. लुकिंग एट द पॉपुलेशन फ्रॉम द प्रोडक्टिव असेट्स एम्फसाइज इट्स एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट द क्रिएशन ऑफ ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट. ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट अपनी प्रोडक्टिविटी अपने दिमाग के थ्रू अपने स्किल के थ्रू वो देश की ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट करता है, इंक्रीज करता है. लाइक अदर रिसोर्सेज पॉपुलेशन आल्सो इज अ रिसोर्स अ ह्यूमन रिसोर्स. दिस इज द पॉजिटिव साइड ऑफ अ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन ओवरलुक्ड व्हेन वी लुक ओनली एट द नेगेटिव साइड. देखो अगर हम नेगेटिव साइड लेके चलेंगे तो हमें ये हमारा प्रॉफिट नज़र कम आएगा कि भाई पॉपुलेशन इतनी सारी पॉपुलेशन है, इनको हमारे हमारी जो कंट्री है वो तो छोटी पड़ जाती है. ठीक है, नेगेटिव साइड लेके आप चल सकते हैं, लेकिन ये भी माना जाता है जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है उतने वर्किंग हैंड भी ज़्यादा होंगे और जो उस मतलब प्रोडक्टिविटी है वो ज़्यादा इंक्रीज़ होगी. When the existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation. Underline कर लेना, जब human resource जो है ज़्यादा educated और healthy होंगे तो वो हमारे जो capital है उसको increase करेंगे. That adds to the productive power of the country, just like physical capital formation. तो वो productive power किसी भी देश की productive power को increase करेंगे. इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल यानी इंसानों के अंदर, इंसानों में जो इन्वेस्टमेंट होता है थ्रू उनके मतलब उनको एजुकेशन दे के, उनको ट्रेनिंग करके ट्रेंड करके, उनको मेडिकल फैसिलिटी दे के, उसकी वजह से जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है फिजिकल कैपिटल, मतलब ये पैसा लगाया जा रहा है इन फ्यूचर ताकि वो फ्यूचर में एक अच्छे ह्यूमन बींग बन के आए, अच्छे रिसोर्स बनकर आए. दिस कैन बी सीन डायरेक्टली इन द फॉर्म ऑफ हायर इनकम
अर्न्ड बिकॉज ऑफ हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ द मोर एजुकेटेड और द बेटर ट्रेन्ड पर्सन एज वेल एज द हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ हेल्थियर पीपल. मतलब जो अच्छे हेल्थियर पीपल होंगे उनकी प्रोडक्टिविटी भी अच्छी होगी. अगर आपका दिमाग, आपका मन, आप एजुकेटेड हैं और सब कुछ बढ़िया है तो ऑब्वियसली बात है आप कुछ ना कुछ प्रोडक्टिव करते ही रहेंगे. पॉपुलेशन नीड नॉट बी अ बर्डन फॉर द इकोनॉमी. पॉपुलेशन जो है वो बर्डन नहीं होता इकोनॉमी के लिए. इट कैन बी टर्न इन टू अ प्रोडक्टिव असेट्स बाय इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल. ये तब अच्छा होगा, तब असेट्स बनेगा जब वो उस ह्यूमन कैपिटल, मतलब उस बंदे में, उस जो बच्चा है उसको हम अच्छे एजुकेशन देते हैं, उसकी हेल्थ केयर करते हैं, तो वो फ्यूचर में प्रोडक्टिव ही क्रिएट, प्रोडक्टिव ही बनेगा. सपोज एक फैमिली के अंदर 5 लड़के हैं या 5 बच्चे हैं उसके, वो अपने जो फैमिली का हेड है वो उस बच्चे पर पूरा ध्यान रखता है, उसको अच्छी एजुकेशन देता है. उनको आज तकलीफ है, उसके जो उन 5 बच्चों के जो फादर हैं उनको आज तो प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपने बच्चों के ऊपर पूरा इन्वेस्टमेंट करता है. इन्वेस्टमेंट इन द सेंस कि उनके मेडिकल फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड करता है, उनको एजुकेशन अच्छी देता है, हायर एजुकेटेड करता है. तो इन फ्यूचर वो बच्चे कहीं ना कहीं एक अच्छे मुकाम पे पहुंचेंगे, उनके जो फ्यूचर होगा वो बहुत ही बढ़िया होगा. हम ये नहीं कह सकते कि उनका फ्यूचर ख़राब होगा, क्योंकि एजुकेशन है वो अच्छा फ्यूचर जनरेट करने में हेल्पफुल होती है. इसी चीज़ को अब हम आगे 2 स्टोरी में पढ़ेंगे. एक दो फ्रेंड्स हैं, साकल और विलास. साकल और विलास 2 फ्रेंड थे, जिसमें विलास जो साकल जो था वो ये लोग रहते थे विलेज सीमापुर में. ठीक है, साकल 12 साल का लड़का था. उसकी मम्मी घर के काम करती थी, यानी हाउसवाइफ थी, और उसके पापा बाहर काम करते थे, एग्रीकल्चर फील्ड था उनका. उसके जो चाचा जी थे वो भी थोड़े एजुकेटेड थे और जॉब करते थे. वो पढ़ना नहीं चाहता था साकल, लेकिन उसके पापा ने उसको पढ़ाई के लिए प्रेशराइज़ किया और उसको पढ़ाया, उसको अच्छी मेडिकल फैसिलिटी वगैरह सब प्रोवाइड करवाई. तो आगे चलकर वो जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया और अपने और अपने परिवार के लिए अच्छा उसने आउटपुट गेन कर लिया. इसके जस्ट ऑपोजिट जो विलास था, विलास एक वो 11 ईयर का लड़का था. उसके वो भी उसी गांव में रहता था, साकल के फ्रेंड ही था, लेकिन उसके जो पापा थे वो मच्छी पकड़ के लेकर आते, फिशरमैन थे. तो वो उसके पापा फिश को लेकर आते थे और उसको मतलब उसकी मम्मा जो थी उस फिश को मार्केट में सेल किया करती थी. और उस 2 साल पहले उसके पापा ख़त्म हो गए, तो इसकी मम्मा ही फिश पकड़ के लेकर आती और उसके और फिश को मार्केट में सेल करती थी. उनके जो गांव का एक अमीर आदमी था, लैंड ओनर था, उसके पॉन्ड से मछलियां ये लोग पकड़ के आते और मंडी में बेचते थे. इससे वो करीब 150 रुपीज़ पर डे कमा लिया करते थे. लेकिन परिवार में भाई बहन भी थे जिसका ध्यान साकल पीछे से रखता था. एक बार उसकी मम्मा की तबीयत ख़राब हो गई, उनके पास कोई पैसा नहीं था कि उसकी मम्मा का इलाज करा सकें, तो अब साकल को ही सारा काम करना पड़ता था. यानी साकल खुद मछली पकड़ के लेकर आता और मार्केट में सेल करता, अपनी मम्मा का भी ध्यान रखता था और भाई बहनों का भी ध्यान रखता था. इस तरह से साकल की जो अर्निंग है वो लिमिटेड हो गई. क्यों? क्योंकि उसने एजुकेशन नहीं हासिल की थी, उसको मेडिकल फैसिलिटी वगैरह प्रोवाइड नहीं हो रही थी. लेकिन जो सॉरी विलास की जो एजुकेशन है वो लिमिटेड थी और विलास के पास में ज़्यादा कुछ भी नहीं था अपने फ्यूचर के लिए. लेकिन जस्ट ऑपोजिट जो साकल था वो बहुत ही उसी के बराबर का लड़का था, एक साथ पढ़ते थे, लेकिन वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया तो उसने अपने फ्यूचर को सिक्योर कर लिया. और उसके फादर के पास में उसके फादर का सपोर्ट उसको पूरा था, इसी वजह से वो एक ह्यूमन रिसोर्स एज अ असेट बन के गवर्नमेंट के लिए असेट बन के सामने आया, ना कि लाइबिलिटी. जो विलास जो लाइबिलिटी बनकर आया था उसकी जगह साकल जो है वो असेट बनकर सामने आया. ठीक है, यहाँ तक का हमने रीडिंग कर लिया है. कल हम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बाय मैन एंड वुमेन इसको रीड करेंगे. अभी तक के लिए आपको इसे बड़े ही ध्यान से इसको रीड करना है, समझना है. और नेक्स्ट वीक आपको मैंने सिलेबस सेंड कर ही दिया है, ज्योग्राफी का चैप्टर 1 और 2 है, उसको अच्छे से तैयार करिएगा. आई टेक पीरियोडिक टेस्ट ऑन सैटरडे. थैंक यू फॉर टुडे. बाय बाय एवरीवन.